आयुर्वेद कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि उनकी वेतन विसंगतियों को अतिशीघ्र दूर किया जाए, जिससे वह सरकार के साथ सद्भाव से कार्य कर सकें। बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य आयुर्वेद कर्मचारी संघ के सचिव विनोद शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद कर्मचारी हर स्थान पर अपनी सेवाएं निष्ठाभाव से प्रदान करते आए हैं और भविष्य में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, लेकिन खेद की बात है कि सरकार उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी इस मांग को पूरा करने में आनाकानी करती है तो भविष्य में रणनीति तैयार करके संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि उन्हें सरकार से पूरी उम्मीद बनी हुई है कि आयुर्वेद कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो संघ भविष्य में कड़ा रुख अपना सकता है, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार होगी। यातायात के नियमों का पालन करने और इसके प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने का काम बिलासपुर जिला पुलिस ने शुरू कर दिया है। जहां एक और पुलिस प्रशासन ने स्कूली छात्राओं को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया तो साथ ही स्कूली छात्राओं ने वाहन चालकों को फूल और गुब्बारे भेंट कर पुलिस से डरने की बजाय खुद की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि बिलासपुर में दो पहिया वाहनों पर चालकों के अलावा अन्य यात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि मंडी जिला के बाद अब बिलासपुर में दो पहिया वाहन चालक अन्य यात्री को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा, जिसको लेकर भी स्कूली छात्राओं ने वाहन चालकों को जागरूक करने का काम किया है। पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने कहा कि दो पहिया वाहन पर सवार दोनों ही सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जिसके संबंध में अभी वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। छात्राओं को जागरूक कर रहे हेड कांस्टेबल संजीव पुंडीर ने जहां यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने में स्कूली छात्राओं की अहम भूमिका रहने की बात कही तो स्कूली छात्राओं ने भी पुलिस प्रशासन की इस सीख से काफी कुछ सीखने और लोगों को जागरूक करने की बात कही है। जिला कांगड़ा भाजपा की सरदारी अब चंद्रभूषण नाग को सौंपी गई। चंद्रभूषण नाग नगरोटा बागमांग विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। चुनाव प्रभारी विनय शर्मा की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस धर्मशाला में आयोजित बैठक में चंद्रभूषण नाग को जिला कांगड़ा भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए विष्णु दत्त को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। वहीं इस दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। अपनी नियुक्ति पर चंद्रभाग नाग ने सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश और जिला कांगड़ा नेतृत्व का मेरे नाम पर सहमति बनाने पर आभार जताया। चंद्रभूषण नाग ने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि 2022 के चुनाव में कांगड़ा जिला भाजपा के चारों सीटें भाजपा की ही झोली में डाल जाएं, जिससे कि प्रदेश में भाजपा की सरकार पुनः सत्तासीन हो। उन्होंने कहा कि जिला भाजपा में कोई मन मुटाव ना हो और ऐसी कोई घटना ना हो जिससे मेरा नाम बदनाम हो, इससे बचने का प्रयास करूँगा। शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है और चुनाव करवाना संगठन का काम है। सर्वसहमति से अध्यक्ष का चुनाव होने से बेहतर रहता है, लेकिन छोटी छोटी बातें सभी के मन में आती हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना और उन्हें संगठन से जोड़कर रखना हमारी जिम्मेवारी है। उनके प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं।